हेलो गुड इवनिंग एवरीवन आज है केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर और ये एमसीक्यूज हैं क्लॉजेस और नॉन फाइनाइट्स पे जैसे आप देख सकते हैं नॉन फाइनाइट्स पर और क्लॉजेस पर है ये दो टॉपिक्स जो हैं वो ग्रामर के उसमें दिए हुए हैं और इन्हीं पर मैंने एमसीक्यूज सी आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो तैयार करी है बाकी आपको पूरा समझाते हुए जो है वो करवाऊंगी तो ये टेस्ट सीरीज़ है डे टू है टेस्ट सीरीज़ का और uh, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रही हूं केवीएस टेस्ट सीरीज पार्ट टू तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो आज आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखा दूं कि जो क्वेश्चन है ये यहां पर देखना है क्लॉज एनालिसिस है तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखा है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास अब आप सबसे पहले आप चीजों को कुछ समझिए कि सेंटेंसेस को जो हम डिवाइड करते हैं वो तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं एक होता है सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं जिससे कि आप लोग जो है उनको करने में उनको दिक्कत ना हो और इसीलिए मैं आप लोगों को इसको समझा भी रही हूं साथ में कि ये कैसे किया जाता है देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक फाइनाइट वर्ब वन फाइनाइट वर्ब एक फाइनाइट वर्ब जिसमें होगा दैट विल बी सिंपल सेंटेंस उसके साथ उसमें फ्रेजेस हो सकते हैं फ्रेजेस का मतलब होता है कि उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं फ्रेज मतलब नो फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है लेकिन जो है उसमें जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगा जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो आई वॉन्ट वॉट टू गो तो ये जो है ये नाउन फ्रेज है टू गो और आई वॉन्ट क्या का जवाब दे रहा तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है वन फाइनाइट वर्ब कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि वन प्रिंसिपल क्लॉज वन कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये वन प्रिंसिपल क्लॉज वन कोऑर्डिनेट क्लॉज और इसको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है यानी कि एंड बट फॉर और येट ये एटसेट्रा इन से जो है इन कंजंक्शन से इसको जोड़ा जाता है फेन बॉयज होता है फॉर एंड नॉट बट ये वाला और ये ये सारा जो है इनसे जो है इसको जोड़ा जाता है तो जो इसकी पहली इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स होंगे और बीच में किससे जुड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं उन्हें कंपाउंड यानी कि दो सेंटेंसेस होंगे और वो जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट जो है उसमें लगे ही लगे अगर सब्जेक्ट एक ही है तो दूसरे वाले सेंटेंस में से सब्जेक्ट ऑमिट भी कर देते हैं तो एक प्रिंसिपल होगी जो दूसरी वाली क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें होगी एक जो है वो पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज उसके बाद जो दूसरी क्लॉज होती है उसे कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज अब जो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं ये तीन तरीके की होती हैं नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज नाउन क्लॉज जवाब देती है वॉट का कि आई डोंट नो वेन ही केम तो ये वेन से मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि I don't know क्या इज माई कजन तो द बॉय तो को जो चीज बॉय के बारे में बता रही है who came here, that is adjective या relative clause. ये जो इनको जोड़ते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं बाकी के कंजंक्शंस होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्लॉज के जो होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं जो को जोड़ते हैं उसके बाद होती है एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो व्हेन वेयर हाउ मेनी टाइम्स हाउ मच इन सब का कंडीशन का जवाब देती है तो ये तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स uh, सेंटेंस होता है वो एक से उसमें एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकती हैं जितने फाइनाइट वर्ब उतनी क्लॉजेस तो ये आपका इसका तरीका है इसे छांटने का कि किस तरीके से हम ढूंढते हैं अगर दो ही क्लॉजेस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं तो वो कंपाउंड है और अगर आपका एक से ज्यादा जो है वो क्लॉजेस आ रही है और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि काउंट फाइनाइट वर्ब्स जितने फाइनाइट वर्ब्स उतनी क्लॉजेस तो ये हुआ यहाँ पर अब हमारा जो क्वेश्चन है पहला इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास तो ये इफ यू लर्न योर लेसन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कैसे पता चला इफ यू लर्न ये पहला हमारा दैट इज आर फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट फाइनाइट वर्ब है यू विल पास ये सब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर एक ही माना जाता है तो ये कौन सा है ये एडवर्ब क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज है अब हमें इसको कंपाउंड में माना यानी कि एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज तो अब आप यहां पे देखिए यहाँ पर है कि इसमें से ऑप्शन देखिए या ल, इसमें हमें बहुत सिंपल तरीका होता है कि ये जो है उसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंज़ंक्शंस देखिए तो यहाँ है लर्न योर नेशन एंड यू विल पास तो यहां पर वैसे तो ये इसमें भी आ रहा है मगर किसी भी मॉडल के साथ जब तक हैव ना लगे वो की पास पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगती है तो इसमें आएगा ये रहा आपका लर्न योर लेसन एंड यू विल पास तो लर्न योर लेसन दैट इज फर्स्ट ये पीसी यू विल पास दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज तो ये हुआ और ये जुड़ा हुआ किससे है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसीलिए ये हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस नाउ द नेक्स्ट वन इज ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय एडमिटिंग हिज फॉल्ट सबसे पहले अगर हम इसे एनालाइज करें इसे कंपाउंड में बदलना है मगर पहले ये जानिए जैसे ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स था तो नीचे वाला है कौन सा ही एस्केप्ड पनिशमेंट हाउ बाय एडमिटिंग हिज फॉल्ट लेकिन आप अगर देखें तो बाय के बाद जेरेंड आ रहा है इट वर्ब है फाइनाइट वर्ब नहीं है तो इट मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेंस इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है तो दैट्स अ सिंपल सेंटेंस अब इसको आपको कंपाउंड में बदलना है ही एस्केप्ड पनिश हि एडमिटेज इज फॉल्ट एंड एस्केप्ड पनिशमेंट ये देखिए He admitted his fault and escaped punishment. तो अब आप यहाँ पर ये यह देखिए जब subject एक ही होता है मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में दो बात बताई जाती है तो बार बार subject को लिखना जरूरी नहीं होता है उस pronoun को हम लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं तो ही escaped, admitted his fault and escaped punishment तो ये हुआ आपका compound sentence। आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रही हूं उसे नोट डाउन करेंगे तो नो no डाउट आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको मैं इसमें यह बताऊं कि इसमें जो केवीएस के पहले एग्जाम्स हुए हैं जैसे 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें जिस तरीके के भाई ग्रामर तो सेम ही रहती है ना अब वो सिलेबस तो चेंज हो गया तो वो वाले क्वेश्चन भी हमने इसमें जो है वो लिए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वॉक केयरफुली लेस यू यू शुड फॉल तो आप ये वॉक केयरफुली कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ पहले आप देखिए इसमें कितने जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स है पहला है वॉक केयरफुली वॉक तो उसके बाद है शुड फॉल तो दूसरा जो है वो आ गया शुड आ गया तो अब इसमें दो हैं तो इसका मतलब ये है कि आ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्यों क्योंकि कहीं वॉक केयरफुली कहीं वॉक क्यों 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 केयरफुली चले ताकि जिससे कि गिर ना जाए तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है को इसको कंपाउंड में बदलना है अब देखिए वॉक केयरफुली और यू विल फॉल केयरफुली वॉकिंग विल अवॉइड द फॉल मैंने कहा जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे वहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा कंपाउंड और वो कौन से फैन बॉयज फॉर एंड नॉट बट वाले मैंने जो अभी आपको बताए तो नॉ नॉट 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 नॉर फॉर एंड नॉर बट येट ऑल सो तो ये जो है अब आप इसका कोर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए वॉक केयरफुली और यू विल फॉल तो यहां आएगा ए नक्स्ट वन इज ऑन बींग चैलेंज दे रैन अवे चेंज इन टू कॉम्पलेक्स पहले देखते हैं कि यह सेंटेंस इसको आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस कौन सा है तो so, ये सेंटेंस आपका देखिए दे रैन अवे वेन ऑन बीइंग चैलेंज तो यहाँ पे वेन का जवाब दे रहा है लेकिन कहीं से कहीं तक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है जेरेंड का यूज किया गया है प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आ रहा है तो ऑन बीइंग चैलेंज दे रैन अवे तो यहाँ दे रैन अवे में केवल रैन जो है दैट्स अ फाइनाइट वर्ब एंड बीइंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब हेंस इट इज अ सिंपल सेंटेंस विच हैज Which has an adverb phrase. तो इसको हमें चेंज करना है मतलब हमारा जवाब भी सेम आना चाहिए दे रैन अवे वेन बींगज तो यहां पर वेन से बनेगा देवर चैलेंज तो दे रैन अवे वैन का ही जवाब आना चाहिए तो वेन देवर चैलेंज दे रैन अवे तो ये आएगा देवर चैलेंज कब जब उनको चैलेंज करा गया तो वेन का ही आना चाहिए इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये भी है मगर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए कि वो भाग गए कब भाई जो सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन पूछेगा कॉम्प्लेक्स में भी उसका जवाब वही वाला आना चाहिए आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट आई बिलीव वॉट दैट गॉड एग्जिस्ट आई बिलीव वॉट ये जो है आई बिलीव जो है ये जवाब दे रहा है वॉट का और जो वॉट का जवाब दे जो क्लॉज जवाब दे वो नाउन क्लॉज होता है अब जो नाउन क्लॉज है तो उसे नाउन फ्रेज में चेंज करना है तो नाउन क्लॉज को नाउन फ्रेज में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अब आप इसमें देखिए आई बिलीव इसको कैसे कर देंगे नाउन आई आई बिलीव बिलीव एंड गॉड एग्जिस्ट पहले सेंटेंस बहुत ही बेतुका है तो ये तो हो ही नहीं सकता गॉड एग्जिस्ट वाई बिकॉज वी बिलीव इट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस अब यहां आप देखेंगे आई बिलीव वॉट ई बिलीव इन आई बिलीव वॉट इन गॉड्स एग्जिस्टेंस तो ये जो है हमारा जवाब दे रहा है किसका और इसमें कोई एक और फाइनाइट वर्ब नहीं है केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अउन क्लॉज बिकॉज यू हैव डन दिस आई शेल पनिश यू अब अगर अब यहां से लेंगे ये पीसी है आई शेड पनिश यू वाई बिकॉज यू हैव डन दिस तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज है दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर दे वेंट कहा तो ये भी एडवर्ब क्लॉज है दैट यू हैव कम प्लीज मी वॉट प्लीज इज मी दैट यू हैव कम कि मुझे क्या खुशी देता है दैट यू हैव कम इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन ये कंडीशनल क्लॉज है दैट इज ऑल्सो एडवर्ब क्लॉज क्योंकि जो एडाउन क्लॉज होता है वो वॉट का जवाब देता है तो यहां पर है वॉट प्लीज इज मी तो वॉट प्लीज मी Uh, that, जो वर्ब ये प्रिंसिपल क्लॉज प्लीज मी और ये जो है दैट यू हैव कम तो ये हुआ आपका नाउन क्लॉज तो यहां पर आया दैट यू हैव कम वॉट प्लीजेज मी बहुत आसान होता है कि वर्ब के फाइनाइट वर्ब के आगे व्हाट लगाइए या फाइनाइट वर्ब के पीछे वर्ब लगाइए वॉट लगाइए उससे आपका क्लॉज जो है वो निकल कर आ जाता है उसके बाद सम क्लॉजेस कैन स्टैंड ऑन देअर ओन एज सेंटेंसेज एंड दे आर कॉल जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं ठीक है तो प्रोनाउन क्लॉज प्रेपोजिशन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम होता है पीसी तो दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जो अपने मीनिंग के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैंक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन ब्रैकेट इन द ब्रैकेट्स अनलेसिड ट्रेन चुमारो आई एल गो टू स्कूल अगर बारिश नहीं होती आई एल गो टू स्कूल अगर बारिश नहीं मारो आल गो टू अगर बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जो है वो जाऊंगा कब जाओगे जब अगर बारिश नहीं होगी ये कंडीशन है कंडीशन बताई जा रही है अनलेसिड ट्रेन चुमारो अगर बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा तो कंडीशन बता रहा है तो कंडीशनल क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज ही एडवर्ब क्लॉज होता है तो ये कौन सा क्लॉज है दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन that is adverb clause identify the type of clause in the bracket our neighbor who moved in last year wants to borrow the chainsaw Our neighbor. यहां पर आप ये देखिए कि आवर नेबर के बारे में बात की जा रही है ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट्स नॉट अ कंजंक्शन दैट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन ये जो इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है ये जो हमारा रिलेटिव uh, क्लॉज uh, है ये ये किसके बारे में बता रहा है नेबर के बारे में तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बता रहा है तो ये कौन सा क्लॉज है दैट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अभी हमने कहा जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं जो मीनिंग के लिए डिपेंडेंट डिपेंड depend होता है डिपेंड नहीं होता है उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज ठीक है जी उसे सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो कहा जाता है बिफोर इट स्टार्ट टेक आउट योर अम्ब्रेला आइडेंटिफाई द क्लॉज इन ब्रैकेट अब आई टेक आउट योर अम्ब्रेला कब Before it starts, ये कब का जवाब दे रहा है जो क्या का जवाब दे वो नाउन क्लॉज जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव क्लॉज और जो कब कहा कैसे क्यों का जवाब दे तो वो होता है एडवर्ब क्लॉज तो ये कौन सा क्लॉज है दैट अब देखो इसमें वो नहीं कर रखा मतलब बाउलो वाला काम कर रखा है कि इसमें एडवर्ब क्लॉज इन दे रखा तो आइडेंटिफाई द क्लॉज इन ब्रैकेट तो इसमें एडवर्ब क्लॉज है ये लेकिन एडवर्ब क्लॉज बेसिकली इसमें नहीं पूछा गया इसमें ये पूछा है कि ये सबॉर्डिनेट है या ये मेन uh, क्लॉज है तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है कि टेक आउट योर अम्ब्रेला दैट्स अ प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग डिपेंड करता है इसीलिए और वैसे भी इसको पहचानने का तरीका है कि जब सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले आता है तो वो कॉमा से सेग्रीगेट किया जाता है तो देखिए क्या कॉमा लगा हुआ है इसीलिए यहां क्या आएगा दैट्स डी दैट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट तो ये गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्बियल क्लॉज नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या प्रोनाउन क्लॉज नाम की तो कोई चिड़िया ही नहीं होती है वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव अब इस रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा है ये दैट तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बता रहा है उसको उसकी क्वालिटी को बताता हुआ ये क्लॉज है that's a, that's an, uh, adjective clause. नोवन स्पेंड्स मनी द वे यू डू नो वन स्पेंड्स मनी हाउ यह जवाब दे नो वन स्पेंड्स हाउ द वे यू डू द नो वन स्पेंड्स वॉट का जवाब नहीं आ रहा है अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहता है मैडम तो वॉट का जवाब दे रहा है आप जो अंडरलाइन क्लॉज है उसको पूछिए नो वन स्पेंड्स हाउ द वे यू डू जैसे तुम करते हो तो एडवर्व क्लॉज ऑफ मैनर हो गया तो ये कौन सा क्लॉज है दैट इज एडवर्व क्लॉज ऑफ मैनर

ज बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अस्ट्री तो यहां ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब है पूछिए वॉट रिमेन्स अस्ट्री और वॉट का जवाब दे रहा है हुज कार हैज बीन स्टोलन तो व्हाट रिमेन्स अस्ट्री हु तो ये तो वॉट का जवाब दे रहा है यह नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो दैट्स अउन क्लॉज एज वेल एज ये है आपका नाउन क्लॉज now द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मिंग डिपेंड्स ऑन water विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द monsoons फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर वाटर के बारे में बताया जा रहा है ये जो बता रहा है ये वाटर के बारे में बता रहा है विच विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द मॉनसून तो ये वाटर के बारे में बताता हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज है इसको पंचुवेशन में बताऊंगी यह विच के पहले कॉमा क्यों लगा है इसका भी एक रीजन होता है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं इसीलिए इसके बारे में बताया गया है फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर Which will be तो water के बारे में बताया गया है इसीलिए ये है adjective clause I found at last book when I had lost all hope I found at last book कब I found at last the book when I had lost all hope कब कब का जवाब दे रहा है कब मिली जब मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी आई फाउंड इट क्लॉज बुक कब कब का जवाब दे रहा जो कब का जवाब दे दैट्स एन एडवर्ब क्लॉज दैट ही मे फॉल इल वरीज मी अब इसमें अंडरलाइन क्लॉज पूछा ये अंडरलाइंड वाला कौन सा वट वरीज मी दैट ही मे फॉल इल तो ये सब ऑर्डिनेट है नाउन क्लॉज है वरीज मी दैट्स प्रिंसिपल क्लॉज तो यह क्या हुआ दैट इज प्रिंसिपल भाई देखिए आप इसके आगे वर्ड लगाएंगे तो यह जवाब देगा तो ये जो है यह सबिनेट क्लॉज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज लेकिन इसका पीसी कौन सा है दैट वरीज मी तो ये जो है वरीज मी इट्स अ प्रिंसिपल क्लॉज आई कैनोट वर्क अनलेस देर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट आई कैनॉट वर्क कब जब तक की कंडीशन uh, बताई जा रही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है कि कब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि uh, जब तक जो है अगर uh, शांति नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकता तो यहां पर है ये दैट इज ये एडवर्ब क्लॉज है तो यहां पर आएगा दैट इज एडवर्ब क्लॉज ही आस्ट क्वेश्चन फॉर विच देवर नो देवर नो आंसर्स तो ही आस्ट क्वेश्चन जिनके लिए वर नो आंसर ही आस्ट क्वेश्चन फॉर विच देर नो आंसर तो भाई ये बात किसकी की जा रही है क्वेश्चन की कौन इनके बारे में बता रहा है विच जो है वो क्वेश्चन के बारे में बता कौन रहा है विच तो इसीलिए ये कौन सा क्लॉज है दैट इज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज अब मैं इसके आगे जो है वो बढ़ रही हूं आ, ये इसके बाद ये तो हुए आपके क्लॉजेस के क्वेश्चन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दैट आई कैन एश्योर यू और अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे तो मैं तो क्या कोई भी करवा दे कुछ भी क्या फर्क पड़ता है तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको जैसे मैंने शुरू में एक पूरा बताया है कि सिंपल सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करें कॉम्प्लेक्स कैसे आइडेंटिफाई करें कंपाउंड कैसे करें तो उसी से ही क्लॉजेस जो हैं वो समझ में अब क्योंकि सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड उसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है <coughs> अब ये हमारा नॉन फाइनाइट्स का है तो मैं ये इसके बारे में आपको बताती जाती हूँ पहले नॉन फाइनाइट समझ लेते हैं नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं नॉन फाइनाइट तीन होते हैं एंड पार्टिसिपल्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बेयर इंफिनेटिव जिसे कहा जाए जेरेंड अगर आप जेरेंड विच हैज द फोर्स ऑफ नाउन एज वेल एज ऑफ अ वर्ब और इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है और पार्टिसिपल्स वर्बल जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं और पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आई एनजी फॉर्म मगर नाउन के बारे में बताएगी जैसे फॉलिंग लीव्स तो दैट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फॉलन लीव्स दैट इज पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क एंड हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल तो हम नॉन फाइनाइट्स को लेते हैं तो थ्रू आउट शी डिड नथिंग बट डैश इलनेस तो मैं अब आप इसको एक एक पॉइंट आपको इसके बारे में बताती जाती हूं ये पॉइंट्स मैंने जो है इसमें सोचा है कि आप लोगों को इसके पॉइंट्स भी बताऊं तो दो मिनट का मुझे समय दीजिएगा और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती जाती हूं देखिए यहां पर बट देन एक्सेप्ट के बाद बेर इन्फेनेटिव यूज होता है अब बेर इन्फिनेटिव मतलब होता है कि खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट फेन इलनेस तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे तो दैट इज बी फेन इलनेस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई देखिए अगर आप मेक को एक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं अगर मेक को एक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो वहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगेगा जैसे मैंने ये कहा ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग तो यहां पर मैंने बेयर इन्फिनेटिव को यूज किया है लेकिन अगर मेक को आप पैसिव में यूज करेंगे ठीक है यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो वहां पर टू प्लस फोर्थ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होगी मेड सर्वेंट वॉज मेड टू कुक फूड ऑन टाइम द मेड सर्वेंट वॉज मेड कुक फूड ऑन टाइम नहीं होगा क्योंकि यह लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस आता है मेड का तो उसको हम टू प्लस वर्ब की बेयर नहीं लेते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म यूज की जाती है तो द मेड सर्वेंट वॉज मेड टू कुक फूड ऑन टाइम ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रेडी यू अपियर डैश फूड ऑन टाइम एक होता है परफेक्टिव इंफिनेटिव परफेक्टिव इंफिनेटिव का मतलब होता है कि जब पास में अगर दो काम हुए हो जिसमें से एक काम पहले हो गया हो तो उसके लिए हम परफेक्टिव इंफिनेटिव का यूज करते हैं टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो टू हैव टू लगाएंगे फिर हैव लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो पार्टिसिपल नहीं होता है उसे परफेक्टिव इंफिनेटिव कहा जाता है यू आर रेडी टू हैव कुकड फूड ऑन टाइम क्योंकि तुम रेडी हो ऐसा लगता है खाना तुमने पहले बना लिया तो इसे कहते हैं परफेक्टिव इंफिनेटिव जब पास्ट का काम पहले हो गया हो और दूसरा एक घटना बाद में हुई हो तो उसके लिए परफेक्टिव इंफिनेटिव यूज होता है टू हैव कुक्ड फूड ऑन टाइम शी इंटेंडेड पाई इंटेंशन दिए शी इंटेंडिट अब यहाँ पर है इंटेंशन है शी इंटेंडेड टू गो इन फॉर टीचिंग प्रोफेशन भाई अभी हुआ नहीं है कहा था इंटेंशन है इंटेंडिड है तो ये चीज़ हो पास की घटना घट नहीं गई है तो इसमें मतलब ये सोचा था मगर एक्शन हुआ या नहीं तो इसमें शी इंटेंडेड टू गो इन फॉर टीचिंग प्रोफेशन तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट वन इज जहाँ पर भी मुझे पॉइंट बताना लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर मॉडर्न मैन देर नंबर ऑफ डिजीजे टू अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि टू सफर लगाए या टू सफर फ्रॉम लगाए तो सबसे पहले सफर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है आप सबसे पहले ये बताइए सफर के साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है फ्रॉम ठीक है अब आपके यहां पर मॉडर्न मैन फॉर मॉडर्न मैन दे नंबर ऑफ डिजीजेज टू सफर फ्रॉम अब यहाँ पर हमने क्यों लगाया कि अगर हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव पे खत्म होता है तो जो वर्ब वो प्रेपोजिशन लेता है उस प्रेपोजिशन को हम लास्ट में लगाते हैं जैसे ही हैज नो चेयर टू सिट इन ठीक है तो क्योंकि चेयर के साथ जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो हम इन लगाते हैं और डिजीज के साथ जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो सफर फ्रॉम लगाते हैं तो इसीलिए हम अगर हमारा इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा होता है और वो अपने साथ एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लेता है तो बिना प्रेपोजिशन के हम उस सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते तो यहां पर आएगा फॉर मॉडर्न मैन देर नंबर ऑफ डिजीजेस टू सफर फ्रॉम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस ऑफिसर डिनाइड अब आप यहां पर देखिए पुलिस ऑफिसर ने मना करा वॉट डैश कैलस टू द अंडर ट्रायल की भाई मना आप बाद में करेंगे पहले उसको ठोक पीट चुके होंगे तो आ, ये इसमें जो है यहाँ पर ये इसका होगा कि भाई वो कैलस उसके प्रति ब्रूटल नहीं था तो यहाँ पर उसे मना किया बाद में और ब्रूटल वो जो है मना बाद में करेंगे और वो घटना पहले घट चुकी है द पुलिस ऑफिसर डिनाइड टू हैव बीन कैलस टू द अंडर ट्रायल I have ever looked forward dash the president of the district rotary club. ये जो look forward होता है ये अपने बाद preposition लेता है to. इसके बाद preposition आता है to. अब ये to क्या है preposition. अब जो preposition है वो अपने बाद first form of verb नहीं लेगा वो या तो noun pronoun लेगा या gerund लेगा. अब जब be be जो है वो होता है यहाँ पर ये आपका वर्ब है और बी में आईएनजी लगा दोगे तो बन जाएगा जेर तो यह आ जाएगा आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट तो यहां पर यह जो टू प्लस बीइंग है ये टू प्रेपोजिशन है और जो बीइंग है वो जेरड है रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेफर रोड रोड के लिए ट्रेवल करना तो यहां पर आप बात खत्म करेंगे दिस इज नॉट अ सेफर रोड टू ट्रेवल अब जब इन्फिनेटिव पे खत्म हुआ तो रोड के लिए जो आप प्रेपोजिशन लेते हैं वो कौन सा लगाते हैं बाय तो यहां आएगा टू ट्रेवल बाय अगर इंफिनेटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा है और अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगाना है तो बिना प्रेपोजिशन के वो सेंटेंस गलत मारा जाएगा दे नीड नॉट डैश फॉर देयर टर्म जो ये नीड नॉट है दैट्स अ मॉडल और जब मॉडल है तो वो अपने बाद लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसे कहते हैं बेर इनफेनेटिव अब बेर इन्फेनेटिव है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे दे नीड नॉट वेट फॉर देयर टर्म जब नीड नॉट जो है वो किसका काम करता है मॉडल ऑक्सिलरी का काम जो है वो करता है अब जरा नीचे देखिए यू डोंट नीड हेयर एनी मोर इन द सन अब नीड के पहले यहां डोंट आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि नीड यहां पर मेन वर्ब हो गया नीड यहां पर मेन वर्ब हो गया और जब मेन वर्ब होता है तो वो लेता है इन्फिनेटिव अगर नीड मेन वर्ब है तो वो लेगा इन्फिनेटिव नीड नॉट अगर मॉडल है तो वो अपने साथ लेगा बेर इन्फिनेटिव यू डोंट नीड टू स्टैंड है तो यहां आएगा टू स्टैंड

क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ही ऑब्जेक्टेड टू डैश मनी ऑन कॉस्मेटिक्स ही ऑब्जेक्टेड टू बाई टू जो है ही ऑब्जेक्टेड ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आप यहां पर अगर पॉजिशिव देखते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव हो पजेसिव नाउन हो उनके बाद जेरन यूज होता है ही ऑब्जेक्टेड टू माई स्पेंडिंग मनी ऑन कॉस्मेटिक्स और यहां पर यह पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा और उसके बाद जेर का यूज किया जाएगा नेताजी इज बिलीव्ड टैश इन एयर क्रैश माना जाता है कि नेताजी एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु पहले हुई माना बाद में जाएगा तो इसीलिए टू हैव डाइड ये परफेक्टिव इन्फिनेटिव का यूज़ हम यहां पर करेंगे आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रही हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का मगर बात ये है कि इनमें इतनी चीज समझानी पड़ रही है कि अगर मैं रुककर जो है आप लोग क्वेश्चन और वो दू तो वो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग बहुत लॉन्ग और टायरिंग जो है वो uh, एक ये सेशन जो है वो हो जाएगा अभी मैंने थर्टी टू क्वेश्चन थर्टी थ्री क्वेश्चन थर्टी uh, मिनट्स में कर लिए हैं तो अगर मैं uh, बीच में आपको रुकती हूं समय देती हूं तो आप उसमें इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम हिज फ्रेंड इज सस्पेक्टेड डैश सस्पेक्ट किया जाता है कि दीपक को लास्ट नाइट उसने मार दिया तो भाई दीपक को लास्ट नाइट मार दिया तो ये चीज क्या है दैट इज uh, ये चीज जो है वो मतलब uh, पहले हो गई मर्डर पहले हो गया सस्पेक्शन जो सस्पेक्ट है वो बाद में किया जा रहा है तो यह है टू हैव किल्ड दीपक लास्ट नाइट सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन थर्टी फोर क्वेश्चन थे आज जो मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों को बताए इनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को दी और uh, uh, आई होप कि ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहें और आ, मैं मिले जुले सेशंस जो करा रही हूँ वही चीज़ करा रही हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और बस ऑल फॉर टुडे मिलते हैं कल बाय बाय